हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इडियम्स एंड फ्रेजेज का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आज आपको पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा, सबसे पहले मैंने बता दिया है कि आपको बहुत ही इसको स्पेशली आप इस पर समय दें और इसको किसी तरह से लर्न करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है आपके करियर के हिसाब से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मतलब कि एराइज होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है कैसल्स इन द एयर, इसका हिंदी में अर्थ होता है हवाई किला बनाना। हवाई किला बनाना, जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे विजनरी स्कीम्स। सेकेंड है कॉक एंड बुल स्टोरी, बिना सिर पैर की कोई बात नहीं कहते, बिना सिर पैर की बात करता है, बिना सिर पैर का बात या बिना सिर पैर का, तो इसी को हम इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग होता है फॉल्स स्टोरी। क्राई फॉर द मून, नेक्स्ट देखिए क्राई फॉर द मून, किसी असंभव काम के लिए उम्मीद करना। क्राई फॉर द मून का मतलब ये होता है किसी असंभव काम के लिए आशा करना, उम्मीद करना। इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग लिखेंगे विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का अर्थ होता है अच्छा प्रभाव न डाल सकना। कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग होता है अच्छा प्रभाव न डाल सकना। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे टू लीव अ पुअर इंप्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मीन्स इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है कायर, डरपोक, जो कि इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टिमिड। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान काम, यानी कोई भी काम है चाइल्ड्स प्ले है, आसान काम है। तो ये जब चाइल्ड्स प्ले का आप शाब्दिक अर्थ है समझेंगे कि इजी वर्क, यानी आसान काम। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे इजी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल अ स्पेड इडियम्स का अर्थ होता है साफ साफ कहना। क्या होता है? साफ साफ कहना। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे टू कॉल अ थिंग एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट द गॉर्डियन नॉट, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। कट द गॉर्डियन नॉट, बेटा ये भी सब बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कई बार देखा है कि सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। कट द गॉर्डियन नॉट, किसी कठिन समस्या का हल निकालना। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अगला मीनिंग है, अगला इडियम्स है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स मीन्स होता है गाली देना। ओके, तो इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टू अब्यूज। क्रोकोडाइल टीयर्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, यानी घड़ियाली आंसू। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? फॉल्स टीयर्स। अगला देखिए इडियम्स है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मीनिंग होता है रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ना, यानी कोई भी काम आदमी कर रहा है स्पॉट पर, उसी समय उसको देख लेना, पकड़ लेना, इसी को बोला जाता है कैच रेड हैंडेड। और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू कैच व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम। कोई भी आप अपराध कर रहे हो, उसी समय कोई आपको पकड़ लेता है स्पॉट पर ही, दैट इज कॉल कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है बिल्कुल तैयार। कट एंड ड्राइड मीन्स बिल्कुल तैयार। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखेंगे इन रेडीमेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मीनिंग होता है संदेह करना। ओके, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू डाउट। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि को अपना कर्तव्य या सेवा
करते करते अपने जान को न्योछावर कर देना। डाई इन हार्नेस का मतलब ही होता है कर्तव्य या सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट देखिए डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग ये होता है अचानक अच्छा प्रदर्शन करना, अचानक अच्छा प्रदर्शन करना, इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है गुड परफॉर्मेंस सडनली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉप इन द ओशन मीन्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अपर्याप्त मात्रा में, यानी इसको अभी प्रोवर्ब में भी कहते हैं कि ड्रॉप इन द ओशन। इसका मीनिंग ये होता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी अपर्याप्त मात्रा में, जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम। लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट, एंड इन ए स्मॉक। एंड इन ए स्मॉक का मतलब होता है असफल होना, असफल होना। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू एंड इन नथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करना। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करना, और इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इंग्लिश टू इंग्लिश टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर एंड ए स्क्वेयर, इसका मतलब होता है ईमानदार, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। मूर्खतापूर्ण यानी मूर्खतापूर्ण अभिलाषा उसको कहते हैं जो चीज़ हमसे नहीं हो सकता या जिस चीज़ को हम पा नहीं सकते हैं फिर भी उसके लिए प्रयत्न या प्रयासरत हैं, ये क्या है मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, इसी को कहा जाता है। तो फूल्स पैराडाइज, इसका इंग्लिश टू मीनिंग होगा फूलिश होप। नेक्स्ट, फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मीनिंग होता है दूर दूर तक, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा एवरीवेयर। फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड का शाब्दिक अर्थ होता है इंसान, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा ह्यूमन बींग, इंसान मानव। फॉर गुड। फॉर गुड का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा फॉर एवर। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टू बी फ्री फ्रॉम। गेट इन टू ट्रबल। तो गेट इन टू ट्रबल का मतलब होता है किसी कठिनाई में होना, किसी समस्या में होना। नेक्स्ट, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा इंग्लिश टू इंग्लिश टू बी इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्टी। ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना, टू ब्राइब। ग्रीज द पाम का शाब्दिक अर्थ यानी एक्चुअल हिंदी मीनिंग होता है रिश्वत देना, लेकिन इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टू ब्राइब। गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मीन्स होता है बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी रूंड। नेक्स्ट, गर्ड ऑफ द लॉयंस। गर्ड ऑफ द लॉयंस दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स। गर्ड ऑफ द लॉयंस मीन्स होता है कटिबद्ध होना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टू बी रेडी। गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स होता है पढ़ना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है रीड। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है गेट इन टू हॉट वाटर, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है टू बी इन बैड सर्कमस्टांसेस, यानी बुरा स्थिति में होना, बुरी परिस्थिति में होना। ओके, इसी को बोलते हैं गेट इन टू हॉट वाटर, बुरे स्थिति में होना, बुरा परिस्थिति में होना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी इन बैड सर्कमस्टांसेस। तो बेटा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और फिर मैं आपको अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, और इसी शुभकामना के साथ आपको जय हिंद।